2 सितंबर दिन शुक्रवार को स्वदेश निर्मित पहला सबसे बड़े युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा औपचारिक रूप से कोचीन शिपयार्ड पर सौंप दिया गया। इसका नाम 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई के दौरान पूर्वी पाकिस्तान की नौसेना में नाकाबंदी करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाला आईएनएस विक्रांत के नाम पर रखा गया है, जिसे लगभग 4 दशकों के सेवाओं के बाद 1997 में कार्य मुक्त कर दिया गया था। यह युद्धपोत भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत के रूप में नया अवतार है, जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कैरियर है। भारत आईएनएस विक्रांत को स्वदेश में निर्मित कर अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो गया, जिनके पास स्वदेशी विमानवाहक पोत डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी थी। आईएनएस विक्रांत 23,000 करोड़ के लागत से बना 21,500 टन वजन स्टील का विशालकाय ढांचा है, जिसका निर्माण 2009 में शुरू हुआ था। विक्रांत विशालकाय तैरता हुआ एयरबेस है, जो बैटलशिप ग्रे जंगी जहाज के भूरे रंग की परतों से नहाया 2 फुटबॉल के मैदान के बराबर। यह डेक अत्यंत विशालकाय अंतहीन रनवे है, जो हथियार से सुसज्जित फ्लाइंग डेक विमानों को ले जाने और वापस उतारने में सक्षम है। इस युद्धपोत में कम से कम 20 लड़ाकू विमान और 10 हेलीकॉप्टर समा सकते हैं, जिनमें अभी वर्तमान में MH-60R हेलीकॉप्टर, MiG-29 के लड़ाकू विमान और PAMO-31 हेलीकॉप्टर है, और भविष्य में स्वदेश निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉमन एयरक्राफ्ट तैनात करने की योजना है। विशाल विमान वाहक के अनुरूप विक्रांत की लंबाई चौड़ाई हैरत में डाल देने वाली है। 62 मीटर लंबी, अपने चौड़े हिस्से में 62 मीटर चौड़ा और टावर सहित 59 मीटर ऊंचा कुल डेक 14 है, जिनमें 5 ऊपरी ढांचे में है। यह युद्धपोत 18 मंजिला इमारतों के बराबर है और इनमें 1700 क्रू मेंबर के लिए 2300 से ज्यादा कंपार्टमेंट है, जिनमें महिला अधिकारी के लिए विशेष केबिन बने हुए हैं। इसकी तेज रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और क्रूजिंग रफ्तार लगभग 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस विमान वाहक पोत का कार्य क्षमता 75,000 समुद्री मील है। आज पर लगे मुख्य इंजन 120 फॉर्मूला 1 के बराबर शक्ति उत्पन्न करता है, जो 5,000 घरों को रोशन करने में सक्षम है। कुल प्रणालियों के लिए लगाए गए बिजली के तारों की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। विक्रांत का जल विस्थापन क्षमता 45,000 टन है। आईएनएस विक्रांत तैरता शहर है, इसमें शहरी जीवन का हर साजो सामान, एक आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 1645 लोगों के मल मूत्र शोधन कर सकता है। वही विक्रांत में एक पूरा अस्पताल भी है, जिसमें सीटी स्कैन सुविधा, अल्ट्रासाउंड सुविधा, एक ऑपरेशन थिएटर और एक डेंटल क्लिनिक भी।